ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यतकिंच जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुंजिथा माग्रदेकस्य स्वित्तनं। बोले श्री कृष्णं वंदे जगत गुरु, श्री कृष्णं वंदे जगत गुरु। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से आज यदुवंश की गौरव अपने गीतों के माध्यम से माँ सरस्वती का वरदान जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसी स्वर की साम्राज्य हमारी छोटी बहन जिन्होंने संगीत के माध्यम से एक जागृति देने का काम समाज और राष्ट्र में किया है, उनके यहाँ मैं साध्वी पुष्पा शास्त्री उपस्थित हुई हूँ। बहन भानुश्री को प्रणाम करती हूँ, उनके माता पिता को, जन्मदाताओं को वंदन करती हूँ और उनके जीवन साथी भाई जितेंद्र जी को मैं आज धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने अपनी जीवन संगिनी को समाज की सेवा में समर्पित करके यदुवंश के ऋण से उऋण होने का प्रयत्न किया है। हमारी सहयोगी उनकी बहन मेरे पास में आशा जी मौजूद हैं, मैं इनके लिए दो शब्द कहना चाहूंगी कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला और जिस दिए में दम होगा वो दिया जल जाएगा। पूरी धरा जो साथ दे तो ये और बात है, पर प्रभु जब भी साथ दे तो और बात है। यूं तो चलने को लोग चले जाते हैं एक पांव पर मंजिलों तक, पर दूसरा जो साथ दे तो और बात है। गैर मेरे दर्द को क्या जानता है, गैर मेरे दर्द को क्या जानता है, और मेरा इष्ट और मैं तो देशभक्ति को ही, हम तो दिल हमारा खुदा मानता है, इसीलिए इसके दर पे धुनी रमाई है हमने, श्री कृष्ण दर्द दिल की दवा जानता है। आप कहेंगे बहनों, दोनों बहनें कहेंगे आप कि सबके बस की बात नहीं, तूफानों में नाव चलाना सबके बस की बात नहीं, गम खा करके मुस्कुराना सबके बस की बात नहीं, आंधी में भी दीप जलाना सबके बस की बात नहीं, कठिन समय में ना घबराना सबके बस की बात नहीं, पाखंडों में ना चकराना सबके बस की बात नहीं, कुरीतियों को जाके हटाना सबके बस की बात नहीं, आपत्ति में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं, और कष्टों में भी ना घबराना सबके बस की बात नहीं, शहीदों को सम्मान दिलाना सबके बस की बात नहीं, और अही रेजिमेंट बनना और बनवाना सबके बस की बात नहीं। लेकिन ये उनके बस की बात हो सकती है जिनके अटल इरादे हैं और जिनके बुलंद हौसले हैं, जो नहीं डरे हैं तूफानों से उन्होंने इतिहास बदलना सीखा है, फैशन के जो अंधे हैं सिर्फ उन्होंने लिबास बदलना सीखा है। आज बेबसी के घाव पे बैठी है सो मक्खियां, इस पेड़ की जड़ को कुदर के खा रही है पत्तियां, और देश की जनता के केवल हाथ में है गुठलियां, रस तो सारा पी रही है लाल नीली बत्तियां। वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, किसी कोने में खो गई आदमियत जिसे ढूंढने में जमाने लगेंगे, और जिन्हें जिंदगी का समझा कि भैया मझधार में नाव को डुबाने लगेंगे, हमें क्या पता था ये चूहे भी एक दिन, हमें क्या पता था ये चूहे भी एक दिन बिल्ली को आंखें दिखाने लगेंगे। और इस देश को बचा लो भूखे भेड़ियों से, वरना ये भूखे भेड़िए रूपी नेता ही देश को खाने लगेंगे। कदम कदम पे नेताओं की भरमार है, कार्यकर्ता तो कहीं दिखाई नहीं देता है। आज कार्यकर्ताओं की आवश्यकता थी जो राष्ट्र के बारे में सोचे, जो देश के बारे में सोचे, पर पेट पालू संस्कृति को समझने वाले लोग केवल अपने बारे में चिंतन कर रहे हैं। अयम निजः प्रवेति गणनायाम लघु चेतसाम उदार हृदयानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। कृष्ण भगवान कहते हैं परिवर्तनी संसारे मृतों को वान जायते सजातो येन जातेने याति वन समुन्नतिम्। इस परिवर्तनशील संसार में कौन व्यक्ति ऐसा है जो जन्मा है और मरा नहीं है, कौन सा आरंभ ऐसा है जिसका अंत न हुआ हो, और कौन सी बसंत ऐसी है जिसने पतझड़ को न देखा हो। तो जीवन तो आना जाना रहता है, इसको प्राप्त करके समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए कुछ कर जाते हैं, उसका नाम ही जिंदगी हुआ करता है। ये जिंदगी तो जिंदा दिल का नाम है, मुर्दा दिल का खाक खाक जिया करते हैं। और एक कवि ने तो यहाँ तक लिखा है, आज जब मैं देखती हूँ रेजांगना के शहीदों को सम्मान नहीं मिल रहा है,
आज मैं देखती हूँ 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों को हम सम्मान दिलाने के लिए आई रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है। तो शहीदों की आत्मा तो कई रोती होंगी, पर वो तो कह रही होंगी कि हमने जिनकी याद में रो रो के टप भर दिए, वो इतने बेवफा निकले कि नहाए और चल दिए। उनकी कब्र पे नहीं है एक भी दिया, जिनके खून से रोशन हुआ था चिरागे वतन, आज जगमगा रहे हैं मकबरे उनके जो बेचते थे शहीदों के कफन। और बोले मतलब निकल गया तो आप पहचानते नहीं है, और ऐसे जा रहे हैं जैसे जानते नहीं है। जब चमन पे मुसीबत थी तो जान दी हमने, और जब बाहर आई तो कहते अब तुम्हारा कोई काम नहीं। तो आज वतन को समझो, एक पुरानी कहावत थी जननी जने तो भक्त जने, याद आता या शूर, और नहीं तो जननी बांझ रहे क्यों प्रथा गवावे नूर। माँ ऐसा बेटा पैदा करे जो भगवान का भक्त हो, जो देशभक्त हो, संस्कृति का रक्षक हो, मानवता का पोषक हो, सद्गुणों का विस्तारक हो, माता पिता को सम्मान दिलाने वाला, देश को सम्मान दिलाने वाला। आज ये कहावत बदल गई है, और ये ऐसे हो गई कि जननी जने तो भ्रष्ट नेता जने या भ्रष्ट अफसर या चोर, और नहीं तो जननी आराम करे तू खाम का मचावे शोर। जब हम पे मुसीबत आती है तो फिर हम भक्ति की तरफ चलते हैं, और जब अच्छे सुख का समय आ जाता है तो अज्ञान की तरफ चलते हैं। सुख आ जाए तो खाओ पियो करो आनंद, और बाढ़ में जाए परमानंद। और जब आपत्ति आ जाती है तब हम कहते भगवान हमें अपनी शरण में ले लो। 24 घंटे भगवान की शरण में रहना चाहिए। मुख में ओम शुभ नाम हो और हाथों से शुभ काम हो, अच्छा खाओ अंग लगेगा, देश धर्म समाज की सेवा करो, नेक नामी लो वो संग चलेगा, और बाकी चीजों को दुनिया में जंग लगेगा। इस आवाज से मिलम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मग्र देखस्य स्विद्धनम। अगर हमारे आने से देश को राष्ट्र को कुछ लाभ होता है किंचित भी, तो हमारा आना सफल है, और हमारे जाने से दो आंखों में आंसू टपक पड़े, इससे बड़ी कोई मृत्यु भी नहीं हो सकती है। इसलिए आए हैं। एक गाना बहुत अच्छा होता है, बहन भानुश्री तो बहुत अच्छी गायिका है, आपको भी आता होगा, आओ दोनों ही नाम हम भी गाएंगे। कि आने से जिसके आए पहाड़, जाने से जिसके जाए पहाड़, बड़ी ही सुहानी है। बड़ी ही सुहानी है प्यारी भारत माँ, आने से जिसके आए बहार, जाने से जिसके जाए बहार, बड़ी ही सुहानी है प्यारी भारत माँ, मेरी जिंदगानी भारत माँ। गुनगुनाए ऐसे जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे, गुनगुनाए ऐसे जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे, आके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमी पे, लहरों की मलिका वो खुशबू की रानी है प्यारी भारत माँ, मेरी जिंदगानी है प्यारी भारत माँ। आने से जिसके आए बाहर, जाने से जिसके जाए बहार, बड़ी ही सुहानी है प्यारी भारत माँ, मेरी जिंदगानी है प्यारी भारत माँ।